भागलपुर जिले के कहलगांव में एक ट्रेनी आईपीएस भरत सोनी पर अपराधियों द्वारा बम से हमला करने की खबर सामने आ रही है। कुख्यात अपराधी दिव्यांशु झा को पकड़ने के लिए ट्रेनी आईपीएस भरत सोनी और डीएसपी रेणु कृष्णा अपने दलबल के साथ छापेमारी करने पहुंची थी। उसी दौरान अपराधी दिव्यांशु ने बम से पुलिस पर हमला कर दिया। बमबाजी की घटना में कई पुलिसकर्मी मामूली रूप से जख्मी भी हो गए हैं, लेकिन एसएसपी भागलपुर आशीष भारती के गुप्त सूचना के मुताबिक अपराधी के घर हथियार होने की सूचना थी। उस बाबत ट्रेनी आईपीएस की टीम ने बमबाजी के बाद भी छापेमारी जारी रखी। नतीजा कई हथियार और गोली भी बरामद किया गया। साथ ही अपराधी दिव्यांशु समेत एक और अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। बरामद हथियार में 4 पिस्टल, 11 गोली समेत कई अर्ध निर्मित असलहा भी जब्त किया गया है। बीडी न्यूज बिहार के लिए भागलपुर से सुशील कुमार की रिपोर्ट। चलाया जा रहा है और इसी क्रम में यह सूचना मिली कि कहलगांव थाना कांड संख्या 748/20 जो कि 24 तारीख को कांड दर्ज हुआ था, उसमें जो अपराधी है दिव्यांशु झा सोनी झा वो छुपा हुआ है और उसकी गिरफ्तारी करने के लिए डीएसपी कहलगांव के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई थी, जिसमें एएसपी प्रोबेशनर इंस्पेक्टर कहलगांव, एसएचओ कहलगांव और एसएचओ रसलपुर, एसएचओ एनटीपीसी एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी और कर्मी शामिल थे। उनके द्वारा जब उसके घर पे छापेमारी की गई तो पुलिस बल को देख करके उसके द्वारा जान से मारने के लिए, पुलिस बल पर जान से मारने के उद्देश्य से देसी बम फेंका गया, जिससे हमारे कई पुलिस पदाधिकारी और कर्मी जख्मी भी हो गए, परंतु अभी सभी की हालत अच्छी है, कहीं कोई खतरे की बात नहीं है। तो बम मारने के बाद भी पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों के द्वारा जो कुख्यात अपराधी कर्मी दिव्यांशु झा है उसको हथियार के बड़े जखीरे के साथ गिरफ्तार किया गया है और साथ में जो हथियार बनाने का सामान है उसको भी बरामद किया गया है। इस अपराध या जो अपराधकर्मी है ये पिछले करीब 4 सालों में 10 से ज़्यादा आपराधिक मामलों में शामिल रहा है और लगातार इस पे कार्रवाई की जाती है, परंतु जेल से छूटने के बाद ये फिर से इसके द्वारा इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जाता है। इस पे जो भी मामले दर्ज हैं उस पे स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा और उसके लिए प्रस्ताव भेजा जा रहा है और साथ ही साथ अपराध से जो इसके द्वारा संपत्ति बनाई गई है उसको जब्त करने के लिए पीएमएलए का प्रस्ताव भी के तहत प्रस्ताव भी हम लोग भेज रहे हैं। इस अपराध कर्मी की जो गिरफ्तारी है यह एक अच्छी उपलब्धि है, बड़ी उपलब्धि है भागलपुर पुलिस की और खास करके कहलगांव अनुमंडल में जो भी पुलिस पदाधिकारी और कर्मी इसमें शामिल रहे हैं और सभी लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा और साथ ही साथ इसके गिरोह के अन्य जो भी सदस्य होंगे उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। टोटल नंबर ऑफ अरेस्ट कितना हो गया? Worried about startup registration? We at Lux provide all types of registration, licensing, annual tax compliances and digital signature service in Pan India. To get assistance, visit us at www.luxfinalizer.com or call us now at 999-00619.